नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश थादेज और आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स। दोस्तों, वैलेंटाइन डे को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। इस बीच एक आईएएस अधिकारी का ट्वीट भी सुर्खियां बटोर रहा है। अपने ट्वीट में आईएएस अधिकारी ने मजाकिया अंदाज में यूपीएससी कैंडिडेट की भावनाओं का जिक्र किया है। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी अवनीश शरण की, जिन्होंने वैलेंटाइन डे पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले क्या सोचते हैं इसको लेकर एक मजेदार ट्वीट किया है। ट्वीट है, प्यार अगले जन्म तक के लिए स्थगित। आईएएस अवनीश शरण ने अपने ट्वीट में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक कोट शेयर किया, जिसमें लिखा है, क्योंकि नौकरी इस जन्म के लिए जरूरी है, अतः प्यार को अगले जन्म तक के लिए स्थगित करता हूँ। आईएएस अधिकारी ने इसके साथ एक कैप्शन लिखा, वैलेंटाइन डे पर यूपीएससी एस्पिरेंट की भावना। दोस्तों, इससे पहले भी अवनीश शरण ने प्रोमिस डे पर किया था ट्वीट। वैलेंटाइन डे वीक के दौरान प्रोमिस डे पर भी आईएएस अवनीश शरण ने एक मजेदार ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सबसे ज्यादा तोड़े जाने वाला प्रॉमिस। दरअसल आईएएस ने एक माँ और बच्चे की तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में माँ हाथ में चप्पल लिए हुए बेड के नीचे छिपे बच्चे को बाहर आने का इशारा कर रही है और कह रही है कि मारूंगी नहीं। आईएएस अवनीश शरण के ट्वीट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, प्यार तो नौकरी लगने के बाद भी हो सकता है, सीधा अगला जन्म, फिर अगले जन्म में यूपीएससी नहीं करना क्या। वहीं कई सारे यूजर्स ने आईएएस के ट्वीट को फनी बताया है। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कौन है आईएएस अवनीश शरण। अवनीश शरण 2009 बैच के छत्तीसगढ़ केडर के आईएएस अधिकारी है। अवनीश शरण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की थी। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के केवटा गांव के रहने वाले हैं। एकदम डाउन टू अर्थ और साधारण स्वभाव के धनी अवनीश शरण अपने उत्कृष्ट कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इनके सराहनीय योगदान हेतु इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्ष 2017 में पहली बार अवनीश शरण चर्चा में आए थे। बलरामपुर के कलेक्टर रहते हुए उन्होंने अपनी बेटी वेदिका का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया था। अवनीश शरण ने सरकारी अस्पताल से लोगों को जोड़ने के लिए अपनी पत्नी की डिलीवरी भी सरकारी अस्पताल में करवाई थी। साल 2019 में जब एक लड़के ने कम नंबर आने पर सुसाइड किया तो उन्होंने अपनी मार्कशीट शेयर की, जहां उन्होंने कक्षा 10वीं में 44.5%, 12वीं में 65% और स्नातक में केवल 60% नंबर हासिल किए थे। फिर भी उन्होंने यूपीएससी जैसा कठिन एग्जाम भी क्लियर कर दिखाया। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दी ऑफिसर्स के साथ। शुक्रिया।